दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बात बात पर बिगड़ जाते हैं। उन्हें किसी की छोटी बात या मजाक भी सहन नहीं हो पाता है। ऐसे लोग गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं और कई बार ऐसी चीजें भी बोल देते हैं या कर देते हैं जिससे बाद में खुद को ही पछताना पड़ता है। इसलिए अगर आपको भी बात बात पर क्रोध करने की आदत है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ता है, इसलिए ग्रहों को शांत करके आप अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्रोध पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। नंबर एक, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाने माथे पर चंदन का टीका लगाने से राहु ग्रह को मजबूती मिलती है, जिससे आपका दिमाग भी शांत होता है और धीरे धीरे आप गुस्सा भी कम करने लगते हैं। चंदन का इस्तेमाल आप परफ्यूम, अगरबत्ती, धूप बत्ती की सुगंध से या टेलकम पाउडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नंबर दो, माना जाता है कि यदि आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो इससे भी आपको मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा रोजाना घर की पूर्व दिशा में सुबह शाम दीपक जलाने से भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। नंबर तीन, ज्योतिष शास्त्र में मोती रत्न का संबंध चंद्रमा से बताया गया है और चंद्रमा ग्रह का आधिपत्य आपके मन पर होता है। ऐसे में यदि आपको बार बार गुस्सा आता है और आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, तो किसी पेंडेंट या अंगूठी में मोती रत्न जड़वा कर पहनने से भी लाभ हो सकता है। इसके लिए आप किसी ज्योतिष की सलाह से शुभ मुहूर्त और विधि के अनुसार मोती रत्न धारण कर सकते हैं। मान्यता है कि मोती रत्न का धारण करने से कुंडली में चंद्रमा को मजबूती मिलती है और मन शांत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।